लगता है। द्वितीय अध्याय भगवान नारायण से संक्षेप में यमलोक के विषय में सुनकर गरुड़ जी ने कहा है, भगवान यमलोक का मार्ग कितना दुखदायी है, यहाँ जीव पाप करने से उसमें कैसे जाता है, आप मुझे बताने की कृपा करें। नारायण भगवान ने कहा है, गरुड़ यमलोक का मार्ग अत्यंत दुखदायी है, मेरे भक्त होते हुए भी उसे सुनकर तुम कांप जाओगे। उस यमलोक में वृक्षों की छाया नहीं है जहाँ जीव विश्राम ले सके, और न तो वहाँ अन्न आदि है जिससे जीव के प्राण का निर्वाह हो सके, न तो वहाँ कहीं जल दिखाई देता है जिसे अति प्यासा प्राणी पी सके, वह प्यासा ही रहता है। हे खगराज, उस लोक में बारहों सूर्य ऐसे तपते हैं जैसे प्रलय के अंत में अग्नि रूप में तपते हैं, वहाँ ठंडक और हवा से जीव अत्यंत पीड़ित होता है, कहीं वह बड़े बड़े विषैले सांपों से कटवाया जाता है, कहीं कहीं कांटों से बिंधवाया जाता है, और कहीं कहीं घोर सिंह व्याघ्र और कुत्तों से खिलवाया जाता है, कहीं बिच्छुओं से कटवाया जाता है, और कहीं अग्नि से जलाया जाता है। इसके बाद विशाल एक असिपत्र वन है जिसका विस्तार 2000 योजन का है, वह वन कौवा गिर उलूक और शहद की मक्खियों से भरा है, और वन के चारों ओर दावाग्नि प्रचंड रहती है, जबकि और मक्खियों के काटने से तथा अग्नि की गर्मी से वे जीव वृक्ष के नीचे जाता है, तब तलवार के समान तेज उन वृक्षों के पत्तों से उसका शरीर छिन भिन हो जाता है, कहीं अंधेरे कुएं में गिराया जाता है, कहीं पर्वत पर से नीचे गिराया जाता है, कहीं छुरों की धार के समान तीक्षा मार्ग में चलाया जाता है, और कहीं कहीं कीलों के ऊपर से चलाया जाता है, कहीं वह अंधकार युक्त में चलाया जाता है, और कहीं कहीं कीलों के ऊपर से चलाया जाता है, कहीं वह अंधकार युक्त गुफाओं में, कहीं जल में, कहीं झोंक से भरे कीचड़ में गिराया जाता है और झोंक से कटवाया जाता है, कहीं जलती हुई कीच में गिराया जाता है, कहीं जलते हुए बालों में चलाया जाता है, कहीं तांबे के समान जलती हुई पृथ्वी पर, और कहीं अंगार समूह में झोंका जाता है, कहीं धुएं से भरे हुए मार्ग से चलाया जाता है, कहीं तांबे के समान जलती हुई पृथ्वी पर और कहीं अंगार समूह में झोंका जाता है, कहीं धुएं से भरे हुए मार्ग से चलाया जाता है, कहीं पर आग की वर्षा, कहीं पत्थर के टुकड़ों की वर्षा, कहीं रक्त की वर्षा और कहीं गर्म जल की वर्षा होती है, कहीं पर खारे कीचड़ की वर्षा होती है, कहीं पर बड़ी घोर गुफाएं होती हैं, कहीं कंदरा में घुसाया जाता है। इस तरह वे जीव निरंतर पीड़ा सहता है और उसका रूप ऐसे हो जाता है कि जैसे चारों तरफ विशालकाय बहुत ही गहरा अंधकार है और कहीं कष्ट से चढ़ने योग्य शिलाएं हैं। इसके साथ कहीं पीप तथा रक्त से भरे, कहीं विष्ठा से भरे कुंड हैं जिनमें रहना पड़ता है। मध्य मार्ग में एक वैतरणी नाम की विशाल नदी है जो देखने मात्र से भय देने वाली है, जिसकी वार्ता सुनने से रोमांच हो जाता है। वह नदी 100 योजन चौड़ी है जिसमें पीप रक्त भरा हुआ है और जिसका किनारा हदियों से बना हुआ है, जिसमें रक्त मांस और पीप के कीचड़ भरी है जो बड़ी गहरी है तथा बड़े दुख से पार होने योग्य है और जो बड़े बड़े घड़ियालों से पूर्ण है। इसमें मांस खाने वाले सैकड़ों प्रकार के पक्षियों का निवास है। यह नदी पापियों के लिए कठिनता से पार होने वाली है। हे गरुड़, जैसे आग की ज्वाला से उबलकर कराह में घी खौलता है, उसी प्रकार पापी को आता देखकर उस नदी का जल खौलता है, और वे नदी चारों ओर सुई के समान मुख वाले कीड़ों से युक्त है, वज्र के समान चोंच वाले गिद्ध और कौओं से वे नदी भरी है, और भाजक घड़ियाल मगर झोंक कछुआ और मांस भक्षक जलचरों से भी वे भरी हुई है। उस नदी में छोड़ा गया पापी जीव भयानक रूप से रोता है, हे भाई, हे पुत्र, हे पिता आदि शब्द बार बार पुकारता है। जब वह पापी जीव भूख प्यास से पीड़ित होता है, तब वही रुधिर और मांस पीने और खाने को मिलता है। वह नदी रक्त पूर्ण तथा फेन से युक्त है। महाघोर गरजती हुई भयदायक उस नदी को देखने मात्र से वे पापी रक्त पूर्ण तथा फेन से युक्त है। महाघोर गरजती हुई भयदायक उस नदी को देखने मात्र से वे पापी मनुष्य मूर्छित हो जाता है। उसमें अनेक प्रकार के सर्प और बिच्छू भरे है। उसमें गिरे हुए प्राणी की रक्षा करने वाला कोई नहीं रहता। वह पापी जीव नदी के सैकड़ों हजारों भंवरों में पड़कर नीचे पाताल को जाता है, फिर क्षण में ऊपर आता है। इस तरह वे सर्वदा चलायमान रहता है। हे गरुड़, पापी जीवों के पतन के लिए ही यह नदी बनाई गई है। ऐसी कठोर और अत्यंत दुख को देने वाली नदी का आर पार भी नहीं दिखाई देता है। इस प्रकार यम के मार्ग में अनेक प्रकार के दुखों को भोगते हुए रोता चिल्लाता हुआ प्राणी यमलोक को जाता है। किसी को फांसी में बांधकर, किसी को अंकुशों से छीनकर, किसी को शस्त्रों से छेदते हुए यमदूत पापियों को यमलोक ले जाते हैं। यह यमलोक अत्यंत कष्टदायक है। यमदूत किसी की नाक में डोरी डालकर ले जाते हैं, किसी की कान में डोरी डालकर, किसी को कालपाश में बांधकर, किसी को कौओं की तरह खींचते हुए पापियों को यमलोक ले जाते हैं। हाथ गर्दन
पैर में श्रृंखला बांधकर और उन पर लोहे का भार लादकर उनको रास्ते में चलने के लिए कहते हैं। वहां पर भयानक यमदूत मुद्गर से मारते हैं और वे पापी और दुखी जीव मुंह से खून गिराता है और फिर उसी को खाता है। फिर अपने किए हुए कर्मों को सोचता तथा ग्लानि करता हुआ अनेक प्रकार के दुखों को भोगता हुआ यमलोक को जाता है। वह अज्ञानी यम मार्ग में जाता हुआ हाँ पुत्र हाँ पौत्र कहकर विलाप करता हुआ दुखी होता है। वह मन में सोचता है कि बड़े पुण्य से मनुष्य का जन्म मिला है, उसको पाकर मैंने कुछ भी धर्म नहीं किया, न तो कुछ दान किया, न अग्नि में हवन किया, तपस्या भी नहीं की और न देवताओं का पूजन किया, न विधि पूर्वक तीर्थों की सेवा की। इसी से है शरीर, अपने किए कर्मों के फल को भोगो। न ब्राह्मणों का पूजन किया, न गंगा मान किया, न साधुओं की सेवा की और न कभी परोपकार किया। इसलिए हे देहिन, अपने किए कर्मों के फल को भोगो। पशु पक्षियों तथा मनुष्यों के हित के लिए न निर्जल देश में जलाशय बनवाया, न गाय ब्राह्मणों की जीविका के लिए कुछ दान दिया। इससे हे आत्म, अपने किए कर्मों के फल को भोगो। न नित्य रूप से अन्न दान किया, न गायों को कभी पर्याप्त तृण आदि दिया है, न वेद शास्त्र के अर्थों पर श्रद्धा की है, न कभी पुराणों न गायों को कभी पर्याप्त तृण आदि दिया है, न वेद शास्त्र के अर्थों पर श्रद्धा की है, न कभी पुराणों को सुना है और न तो कभी कथावाचक व्यास का पूजन किया है। इससे ही देहिन, अपने किए कर्मों के फल को भोगो। मैंने अपने स्वामी की आज्ञा का न कभी पालन किया, न अपना पतिव्रत धर्म पालन किया, न कभी बड़ों का आदर सत्कार तथा सेवा की। इसलिए हे शरीरी, अपने किए कर्मों को भोगो। स्त्रियों का परम धर्म पति की सेवा करना ही है। यह जानते हुए भी जिस स्त्री ने पति की सेवा नहीं की, पति के मरने पर सती भी नहीं हुई, विधवा होने पर तपस्या नहीं की, इसलिए अपने कर्मों का फल प्राप्त करो। मैंने अपने पूर्व कर्मों द्वारा अत्यंत दुखदायी नारी शरीर पाया, उससे न तो मासोपवास न तो चांद्रायन व्रत ही किया और न नियमों के द्वारा उस शरीर को सार्थक किया। इस प्रकार स्त्री पुरुष जीव अनेक प्रकार से विलाप करता हुआ अपने पहले कर्मों को स्मरण करता है और शरीर की याद करता हुआ उसके विषय में सोचता है और तब इस तरह यम के मार्ग में जाता है। इसके आगे भगवान नारायण ने गरुड़ जी से कहा, मनुष्य प्रेत रूपी जीव के समान वायु के समान 17 दिन तक चलता है। 18वें दिन वह सौम्यपुर नामक नगर में पहुँचता है। वहाँ पर बड़े बड़े प्रेतों के गण रहते हैं। यहाँ एक सुंदर वट वृक्ष भी है और एक नदी है। इस नदी का नाम पुष्पभद्रा है। जीव यहाँ पर यमदूतों के साथ निवास करता है और अपने सब तीर्थों और स्त्री पुरुष पुत्र आदि को याद करता हुआ दुख प्राप्त करता है। यहाँ पर मनुष्य मित्र आदि की चिंता करता है तो उस समय यमदूत उससे पूछते हैं कि अब तुम्हारे मित्र और साथी कहाँ गए? अब तो अपने किए हुए कर्मों का फल ही भोगना है। अपने कर्मों का फल भोगते हुए काल के द्वारा निर्धारित मार्ग पर चलो। यम के दूत इस प्रकार कहते हैं कि तुम हमारे बल को नहीं जानते, तूने कभी ऐसा प्रयत्न ही नहीं किया जिससे तेरी यम मार्ग से यात्रा न हो, अर्थात तूने अपने जीवन में पुण्यों का संचय नहीं किया जिससे नरक यातना न झेलनी पड़े। अब तो निश्चित है कि तुझे यमलोक में चलना है। सामायिक बालक भी यमलोक को जानता है और परलोक यात्री, क्या तूने कभी ब्राह्मण के मुख से पुराण की कथा सुनी है और क्या कभी अनुभव किया है कि यमलोक में बहुत याचना होती है? इस तरह से कहकर पापी प्राणी को यमदूत मुद्गरों से मारते हैं। वह मूर्छित होकर गिरता है, डरकर भागता। कहकर पापी प्राणी को यमदूत मुद्गरों से मारते हैं। वह मूर्छित होकर गिरता है, डरकर भागता, दौड़ता है, फिर गिर पड़ता है और यमदूत उसे फिर पकड़कर यातना देते हैं। यमदूत उसे घसीट कर ले जाते हैं। वह जीव अपने घर से 13वें दिन चलता है और सौम्यपुर में 17 दिन के बाद पहुंचता है। वहां जाकर अपने पुत्रों के द्वारा श्राद्ध का भोजन करता है। इसके बाद फिर सौरीपुर नामक स्थान पर जाता है। सौरीपुर में जंगम नाम का एक राजा यम के स्वरूप वाला ही विद्यमान रहता है। उसको देखकर जीव भयभीत हो जाता है और वहीं विश्राम करता है। इसके उपरांत 3 पक्ष के श्राद्ध में वहां पहुंचकर प्रदत्त अन्न जल का भोजन करता है। यह उपनगर इसके उपरांत उसके द्वारा पार किया जाता है। फिर वे सेन भवन में पहुंचता है और इसे अत्यंत भयानक वन के रूप में देखकर दुखी होता है और रोता है। यह वे स्थल है जहां यमदूत उसे बार बार खींचते और घसीटते हैं। वह जीव इस वन को 2 महीने में पार करता है। यहीं पर वह अपने घर वालों के दिए हुए द्विमासिक श्राद्ध का अन्न भोजन प्राप्त करता है और खा पी कर फिर यमदूतों के साथ आगे चल देता है। 3 महीने में वे जीव का प्रेत गंधर्व पतनपुर पहुंचकर पिंड का वे भोजन करता है जो उसके परिवार वालों द्वारा दिया जाता है।
चौथे महीने में शैलपुर नाम के नगर में पहुंचता है और वहां पर वे प्रेत पत्थरों की वर्षा से बहुत दुखी होता है क्योंकि उसके ऊपर पत्थर ही पत्थर गिरते हैं और फिर उसके बाद वे चौथे मास के पिंड को खाकर थोड़ा बहुत सुख प्राप्त करता है। उसके बाद वहां से जाकर वे पांचवे महीने में क्रौचपुर में पहुँचता है। वहाँ क्रौचपुर में स्थित पांचवे महीने में श्राद्ध खाता है और उसके बाद क्रूरपुर नामक स्थान में पहुँचता है। इस क्रूरपुर में अनेक कठोर प्राणी रहते हैं। जब जीव प्रेत इनके बीच में पहुंचता है तो पांच महीने के बाद 15 दिन व्यतीत होने पर अन्न जल खाता है और फिर वहीं रुकता है। थोड़ी देर रुकने के बाद वह फिर यमदूतों के साथ आगे बढ़ जाता है। थोड़ी देर के बाद से फिर यमदूत उसे तारना प्रतारना प्रारंभ कर देते हैं। यमदूत उसे बुरी तरह घसीटते हैं और इस तरह घसीटा जाकर वे फिर उस नगर से आगे चलता है। यहाँ से आगे जाने के बाद जीव चित्र भवन नाम के नगर में पहुँचता है। इस चित्र भवन स्थान पर यमराज का छोटा भाई विचित्र नाम का यमराज राज्य नगर में पहुंचता है। इस चित्र भवन स्थान पर यमराज का छोटा भाई विचित्र नाम का यमराज राज्य करता है। यह विचित्र बड़े शरीर वाला है और बहुत भयानक लगता है। जब जीव इसे देखता है तो बहुत घबराता है और उसे देखकर भागना चाहता है, लेकिन वह परवश हो जाता है। इसके बाद वह वैतरणी नदी के किनारे पहुँचता है। यहाँ पर वैतरणी नदी को पार कराने के लिए अनेक मलाह खड़े होते हैं। ये मलाह जीव से आकर बात करते हैं और कहते हैं कि हम वैतरणी नदी को पार कराने वाले हैं। पास में ही नौका है, यदि तुमने अपने जीवन में पुण्य किए हो तो तुम इस नौका पर आकर बैठ जाओ और यदि नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते। जो व्यक्ति ज्ञान चक्षुओं से देखते हुए दान करता है वही वैतरणी को पार कर सकता है और दान में गोदान का महत्व बहुत अधिक है, अर्थात गोदान करने वाला व्यक्ति वैतरणी को पार करने का अधिकारी हो जाता है। इस तरह यमपुर के मार्ग में अपने को असमर्थ पाकर पापी व्यक्ति केवल देव का स्मरण करके ही रह जाता है। यमराज के दूत उस उबलती हुई नदी को देखते हैं तथा उस जीव को दिखाते हैं। उस उबलती हुई नदी में वे उस पापी को छोड़ देना चाहते हैं। अपनी यह दशा देखकर जीव दर्द से चिल्लाता है। यमदूत जीव को उस नदी में फेंक देते हैं। जिस जीव ने दान किया होता है वे उस उबलते हुए पानी से तैरकर नदी को पार कर लेता है और जिसने दान नहीं किया होता है वे उसमें डूबता है। इसके बाद आकाश में विहार करने वाले यमदूत उस प्रेत के मुख में कांटा फंसा देते हैं और डूबते हुए प्रेत को मछली की तरह से घसीट कर नदी के पार पहुँचाते हैं। यहाँ आकर प्रेत या जीव छठे महीने में दिया गया श्राद्ध खाता है और फिर उसके आगे की यात्रा करता है। वह बहुत भूखा होता है और भूख से व्याकुल होकर पूरे मार्ग में विलाप करता रहता है। यहाँ पर यमदूत उसे ब्रह्मापद नगर में ले जाते हैं और जब वे वहाँ पहुँचता है तो अपने पुत्रों के द्वारा दिया गया सातवें महीने का श्राद्ध का अन्न खाकर संतोष प्राप्त करता है। इसके आगे भगवान नारायण गरुड़ जी से कहते हैं कि हे गरुड़ जी, ब्रह्मापद नगर को पार कर जीव दुखदपुर नगर में पहुंचता है और वहां आकाश मार्ग से चलता हुआ अनेक तरह के दुखों को भोगता है। यहां उसे आठवें महीने के श्राद्ध में दिया गया अन्न जल आदि मिलता है और वे भोजन करता हुआ आगे आठवें महीने के श्राद्ध में दिया गया अन्न जल आदि मिलता है और वे भोजन करता हुआ आगे चल देता है। नवा महीना पूरा होते ही वह नाना करणपुर जाता है। वहाँ पर नानाकरण गणों को देखकर दुख से बहुत चिल्लाता और पश्चाताप करता है। यहाँ पर यमदूत उसे फिर से बहुत धमकाते हैं और प्रताड़ित करते हैं। इसके बाद वह दसवें महीने में सुप्त भवनपुर जाता है। वहाँ पहुंचकर दसवें महीने के पिंड दान को प्राप्त करता है लेकिन अतृप्त रह जाता है। इसके बाद रौद्र नगर में वे 11 महीने में पहुँचता है। यहाँ पर फिर से श्राद्ध का अन्न खाता है। इस तरह श्राद्ध के जल अन्न को पी खाकर वे 15 दिन के बाद पयोवर्षन नगर में पहुंचता है। यह नगर बड़ा विचित्र है। यहाँ पर जीव के प्रेत को दुख देने वाले बादल बरसते रहते हैं जो उसे चैन नहीं लेने देते। इसके बाद इसी स्थल पर थोड़े बहुत समय में दिए गए श्राद्ध के अन्न को अत्यंत कष्ट पूर्वक खाता है। जब वर्ष पूरा हो जाता है तो जीव का प्रेत शीताद्य नगर में पहुँचता है। यह स्थान ऐसा है जहाँ हिमालय पर्वत से भी अधिक ठंडा वातावरण रहता है। यहाँ पर आकर जीव न केवल भूख से पीड़ित होता है बल्कि उसे शीत भी सताने लगती है। इस तरह यहाँ फिर वे ठंड और भूख से पीड़ित होकर चारों दिशाओं में देखता हुआ अपने किसी बंधु बांधव को छूने की कोशिश करता है और यह सोचता है कि यदि कोई अपना बंधु हो तो वे हमारी सहायता करेगा, इस दुख को मिटाएगा। यह सोचने पर यमदूत उसे चेतावनी देते हैं कि क्या तूने ऐसे पुण्य किए हैं जो यहाँ आने पर कोई तेरी मदद करे। तू किस पुण्य के बल पर अपने दुखों को कम करना चाहता है? तूने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिससे तेरे पाप नष्ट हो सकते हैं?
जब जीव को यमदूत ऐसा कहते हैं तो वे बहुत पीड़ित होता है और वर्ष के अंत में दिए गए श्राद्ध के पिंडदान को खाकर धैर्य धारण करता है। एक वर्ष बीत जाने पर वे यमलोक के पास ही बहुभीतिपुर में जाता है और फिर जो छोटा सा शरीर उसे मिला होता है उसका त्याग करता है। मनुष्य जीव अपने कर्मों के फल को भोगने के लिए ही अंगूठे के समान दुख से भरे हुए शरीर को पाकर यमदूतों के साथ जाता है। जिन जीवों ने मृत्यु के समय कोई भी दान नहीं किया और उसके न करने से गर्म संचय नहीं किया, वे यमदूतों के द्वारा बांधे गए दृढ़ बंधनों में पड़कर बहुत कष्ट उठाते हैं। हे गरुड़ महाराज, यह सारा विवरण धर्मराज के नगर के चार द्वारों में से एक दक्षिण कष्ट उठाते हैं। हे गरुड़ महाराज, यह सारा विवरण धर्मराज के नगर के चार द्वारों में से एक दक्षिण मार्ग का विवरण है। मैंने तुम्हें बताया कि दक्षिण मार्ग से किस तरह से मनुष्य जीव जाता है और किस तरह उसे यातनाएं मिलती हैं। वह किस रूप में भूखा प्यासा जाता हुआ किन किन रूपों में कष्ट सहता है। अब इसके आगे तुम बोलो कि क्या सुनना चाहते हो।